बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि देश भर में एलपीजी सिलेंडर्स के रेट्स एक बार फिर बढ़ चुके हैं, यानी कि आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार जो है पड़ चुकी है। क्योंकि जहां पर डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स की बात करते हैं तो इनके रेट्स में अब एक बार फिर इजाफा हो चुका है। कितना इजाफा हो चुका है और कितना प्राइस जो है वो अब आपको एलपीजी गैस सिलेंडर जो है खरीदने के लिए आपको चुकाना पड़ेगा, उसकी जानकारी आपको दे दें कि 50 रुपए का इंक्रीज जो है ये किया गया है एलपीजी सिलेंडर्स में, जो कि 14.2 kg का जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम जो है 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और ये जुलाई 2021 के बाद ये 8वीं बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का इंक्रीज जो है ये डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स में जो है किया गया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब 5 kg का जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो अब 18 रुपए तक का इंक्रीज जो है उसमें किया गया है। और इसी के साथ साथ जो 19 kg का जो आपका कमर्शियल सिलेंडर है उसमें भी आपको बता दें कि 8.5 रुपीज पर सिलेंडर के हिसाब से उसमें जो इसका रेट था ये डिक्रीज किया गया था, यानी कि कम किया गया था। लेकिन जो आज एक बार फिर इसके रेट्स जो है रिवाइज हुए हैं, जो नई रेट लिस्ट जो है ये सामने आई है, इसके बाद आपको बता दें कि जो डोमेस्टिक एलपीजी है वो अब दिल्ली में 1053 यानी कि 1053 रुपीज इसकी कॉस्ट जो है ये पड़ने वाली है। पिछले एक साल की अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स के जो रेट्स हैं जो नेशनल कैपिटल में यानी कि दिल्ली में, ये 834 रुपए से 1003 रुपए तक का इंक्रीज जो है ये अभी तक हो चुका है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अगर कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में भी जो ये प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उसके बाद कोलकाता में 1079 रुपीज का सिलेंडर जो है ये अब मिलने वाला है। मुंबई में 1052 रुपीज का ये सिलेंडर जो है ये अब हो चुका है। और इसी के साथ चेन्नई की अगर बात करते हैं तो 1068 रुपीज का सिलेंडर जो है ये अब हो चुका है, जो डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इनके जो रेट्स हैं यानी कि जो नई रेट लिस्ट जो है हर बार जारी की जाती है, देश भर में अलग अलग स्टेट अलग अलग यूटीज में इसके जो रेट्स हैं ये वेरी करते हैं, यानी कि अलग अलग इसके प्राइसेस होते हैं। इसका कारण जो है वो वैट पर डिपेंड करता है, यानी कि इसके जो रेट्स हैं कि आप की कौन से स्टेट में कितना वैट जो है ये लग रहा है उसी के हिसाब से इसके रेट्स जो है ये तय किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है किसी भी इलाके की किसी भी रीजन की, उसके बेसिस पर भी ये रेट्स जो है ये सेट किए जाते हैं। इसलिए अलग अलग जगह में अलग अलग रेट्स जो है इसके तय किए जाते हैं। और साथ ही साथ इसके जो प्राइसेस हैं क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो कितने चल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी ये रिटेलर्स हैं वो एलपीजी सिलेंडर्स के प्राइसेस हर महीने की बिगिनिंग में शुरुआत में ही इसको रिवाइज करते हैं, और ताकि जो भी ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसी के हिसाब से ये प्राइसेस जो हैं ये रिवाइज किए जाते हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जो लगातार क्रूड ऑयल जो है ग्लोबली इसके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसके रेट जो है ये राइज अप हो रहे हैं, और इसी की वजह से जो भी स्टेट ओन्ड फ्यूल रिटेलर्स हैं ये इन्हें भी एलपीजी के जो रेट्स हैं इसे जो है इंक्रीज करना पड़ रहा है। और इसी के साथ जहां पर आपको ये भी बता दें कि डोमेस्टिक कुकिंग गैस प्राइसेस की अगर बात करते हैं तो कुछ ही महीने पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से मई के महीने में ये कहा गया था कि उज्ज्वला स्कीम बेनिफिशरीज जो भी हैं उन्हें 200 रुपए की जो सिलेंडर सब्सिडी जो है वो दी जाएगी 12 बार, और एक जो है आपको एक साल में। लेकिन उसके बाद जहां पर अब एक बार फिर ये इंक्रीज हुआ है 50 रुपए का, कहीं ना कहीं आम जनता को जो है इससे खासा असर जो है देखने को मिल सकता है। अगर दिल्ली में 1053 रुपए के करीब इसके रेट्स जो है हो चुके हैं, यानी कि 1000 के पास जो है वो अब रेट्स हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता को जो है इसका खामियाजा जरूर भुगतना जो है वो पड़ सकता है। लेकिन अब और कितना लंबा वक्त जो है लगता है कि एलपीजी के रेट्स में डिक्रीज जो है वो हो सके, यानी कि उसमें जो प्राइसेस हैं वो कम हो सके, ये अब कब होंगे ये जरूर देखना होगा। चलिए अभी के लिए इस लाइव अपडेट में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।